कल हमने एक लिंक ट्विटर पर आपको पोस्ट किया था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, तो उसमें सुधीर चौधरी जी का वो वीडियो था, आपने देख लिया होगा। पीयूष गोयल जी ने उसको रीट्वीट किया है, कई लाख लोगों ने देखा है, कई हजार लोगों ने उसको ट्वीट किया है। तो उसमें 2014 का एक वीडियो है, मैं सॉरी 2014 नहीं, उनका कहना था कि लॉकडाउन लॉकडाउन फेल हो जाता अगर मोदी जी की ये योजनाएं ना होती। लॉकडाउन 2014 के में पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। इस समय जो हम पालन कर पा रहे हैं उसमें शौचालयों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा सवाल, क्या भारत उन्होंने लॉकडाउन का पांच समाधान प्रमुख कर पा सवाल रहा है? पैदा किए अगर सुधीर चौधरी जी 4 करोड़ ने महिलाओं के पास कि अगर गैस 10 करोड़ घरों में शौचालय ना होता, अगर घरों में 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता। देखिए कितने गंभीर क्वेश्चन हैं इस कोरोना वैश्विक संकट के समय, जबकि देश आपदा महामारी से जूझ रहा है। तो देखिए सुधीर चौधरी जी ने कितने वाजिब सवाल उठाए हैं। घरों में यदि शौचालय ना होता, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता, आपको पता होगा कि 7 से 8% लोग ही अपने सिलेंडर्स को रीफिल करा पाते हैं, शेष सबने बांध के या तो टाड़ पे रखा है या बेच दिया है। बल्कि महोबा के गांव में किसानों का यह भी कहना था कि 1 लीटर मट्टी का तेल मिलता था, जिसकी ढिबरी में हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो मट्टी का तेल भी बंद हो गया। और चूंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो सिलेंडर रिफिल कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, रोजगार हो तो सिलेंडर हो। दूसरी चीज, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर लेना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर लेने से योजनाएं मौलिक रूप से आपकी नहीं हो जाती। स्टॉप दिस कट कॉपी एंड पेस्ट एंड इट वोंट सूट्स यू एज वेल। अगर 18,000 गांवों में बिजली ना होती, ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है। 6,28,221 गांव हैं भारत में, उसमें से 18,000 गांवों में मोदी जी ने बिजली पहुंचाई और सुधीर चौधरी जी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी के घर में शौचालय भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी, फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पर बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे, फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। तो जो डेटा दिया है इन्होंने, बैंक का भी दिया है, जनधन खाते कुल कितने खुले हैं, अगर आप जाएंगे तो जनधन की वेबसाइट पर ही ये मेंशन है कि 22% खातों में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, बाकी खातों की भी क्या स्थिति है वो उसमें दिया हुआ है। रिफिल का मैंने आपको बता ही दिया, बिजली का 18,000 गांव भी मैंने आपको बता दिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1500 गांव विद्युतीकृत थे। अगर अगर चौधरी जी का बस चले तो थॉमस एल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें, कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। तो 2014 के पहले कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। तो 23 करोड़ लोगों के, हाँ, बैंक खाते भी मैंने आपको बता दिया। बैंकें कैसे बनी थी वैसे चौधरी जी? बैंकें नहीं होती तो क्या शौचालय में पैसा जमा करवाते? एक आरटीआई के मुताबिक 2014 से अब तक 26 सरकारी बैंकों की 90 शाखाएं बंद हो गई हैं। और बैंकिंग व्यवस्था पे ज्यादा बात करेंगे तो समय बीतता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कोई है तो बैंक कर्मियों की। देश सेवा के नाम पे नोटबंदी के समय उनके जो हालात हुए, और आज 17,500 रुपए में वो देश के, दुनिया के, देश भर के हिस्सों में किस तरह अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये तो बस बैंक कर्मी ही जानते हैं। तो बैंकों की तो बात मत करिए, सिलेंडर और खाता और जनधन और विद्युत और परिवारों के पास मकान, तो बुनियादी सुविधाएं भी 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी को उपलब्ध नहीं थी। ये बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो है इनका राशि जो है वो मिथुन राशि है, नक्षत्र और नक्षत्र के पद और गोत्र इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और चूंकि अब विकिपीडिया अकाउंट एडिट हो सकता है अपने हाथों से, तो कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें मिस हो गई। इनका एक गौरवशाली अतीत है। 2012 में जिंदल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए एग्जॉर्शन मनी, 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी, एग्जॉर्शन समझते हैं रंगदारी, यू अंडरस्टैंड, अवैध वसूली। तो 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी जिंदल स्टील्स से जब मांगा गया तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन पर केस फाइल हुआ और ये 14 दिन के रिमांड पे
तिहाड़ जेल चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पत्रकारिता, वो भी बिना नैतिकता बिना मानवता, और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस, तो इन्होंने बहुत तरक्की किया। निकले तो थोड़ा मानसिक रूप से असंतुलन होना स्वाभाविक था, वो इनकी पत्रकारिता में भी दिखता रहता है। बगदादी और गद्दाफी और पत्थरबाजी और खलीफा, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन खैर, इट हैपेंस। तो 2012 का जो भी एक्सॉर्शन का केस था, बट अभी जो इनके टाइमलाइन पे जो ट्वीट पिन है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी सेल्फी सुशोभित हो रही है। तो आप सोचिए, देश की दो ताकत, दुनिया की दो ताकतवर हस्तियों के बीच में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, तो कितने ताकतवर पत्रकार हैं। अब इतनी ताकत रहेगी तो मानवता और मूल्य और नैतिकता और पत्रकारिता और चाटुकारिता, इसमें भेद भी समझ नहीं आएगा। तो इनके 2014 की बुनियादी हम लोग जो बातें कर रहे थे, 2005 से 2014 के बीच, देखिए अगर हम 1947 से जोड़ेंगे ना, तो हम हर अगले दिन सबल हुए हैं। ये बात अलग है कि शायद विज्ञापन उतना नहीं हुआ है, लोगों तक चीजों को पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है। आज 80 करोड़ भारतवासी खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राशन वितरण प्रणाली में ही अपनी भूख मिटा रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी जी, 2014 के पहले ना शौचालय था, ना सिलेंडर था, ना उनके घर में बिजली था, ना उनके घर में सड़क था। तो वो किस प्रकार, मैंने बताया ना, वो जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ भोजन बनाती थी, फिर वो पैदल 6 कोस जाते थे, फिर नाव पे बैठते थे, फिर पत्रकारिता के संस्थान जाते थे, फिर बैलगाड़ी से लौट के आते थे। तो जो है, अब उनको बुनियादी संस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन खैर, उनके अनुसार मोदी जी 6 बरस से लॉकडाउन और कोरोना की तैयारी कर रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन इसलिए बहुत बेहतर फॉलो हो पा रहा।